वैसे लास्ट में एक चीज समझा देता हूँ, फैक्ट है सच्चाई भी है, कि थोड़ा जाके गूगल करके पता कर लेना कि डॉक्टर मुर्गी तुम जैसे लोग जितनी गिनती नहीं आती उससे ज़्यादा तो आईपीएल में मोहम्मद नबी और राशिद खान को पैसे दे दिए जाते हैं। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं टट्टी को मफेन से और अफगानी भाईजान को डॉक्टर मुर्गी से, यानी पीएसएल को आईपीएल से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कह सकते हैं कि इस बार सरफराज ने धोखा नहीं दिया। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए बड़ी खबर कि बीसीसीआई ने पीएसएल की टट्टी एक ही खबर से निकाल दी है। बीसीसीआई ने बोला है कि फॉरेन प्लेयर्स सिर्फ एक ही टूर्नामेंट में खेल सकते हैं, चाहे वो आईपीएल हो या फिर पीएसएल। तो देखने वाली बात ये होगी कि नेक्स्ट ईयर कौन सा वो फॉरेन प्लेयर है जो पीएसएल जैसी सस्ती टूर्नामेंट में खेलेगा। ये तो सिर्फ जानकारी उन लोगों के लिए हुई जो बोलते हैं कि आईपीएल मुझे बुलाएगा फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो ये इनकी हरकत देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि ऐसे हरकत करने वाले को आईपीएल बुलाएगा क्या। और अब करते हैं कंपेयर आईपीएल को पीएसएल से, नहीं नहीं पीएसएल को आईपीएल से। नंबर वन, पीएसएल में खेलती हैं 5 टीमें और आईपीएल में खेलती हैं 8 टीमें, तो 5 और 8 का तो फर्क शायद पता ही होगा तुम लोगों को। और बेटा इसी कड़ी में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि अगर आप मैगजीन पेपर पढ़ने के शौकीन हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी जगह, अगर कहीं भी पीएसएल का मैच हो रहा हो आप उस स्टेडियम में बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शांति आपको वहीं मिलेगी। इतना सन्नाटा क्यों है? हमें तो लगता है इन लोगों का मैच देखने के लिए इनके घर वाले भी नहीं आते होंगे, बस खेलने वाले ही आपस में खेलते और दौड़ते रहते हैं। तो इसी का तो फायदा उठा के अफरीदी ऐसी ऐसी हरकतें करता है। कंपेयर नंबर दो, स्टार इंडिया ने आईपीएल के सभी मैचों के राइट्स खरीदे थे 16,000 करोड़ रुपए में, वो भी अगले 5 साल के लिए, और पीएसएल के राइट्स खरीदे गए थे 90 करोड़ में। वहीं आईपीएल का प्रॉफिट हुआ 2,000 करोड़, मालूम है ना कितने जीरो होते हैं 2,000 करोड़ में, और इनके प्रॉफिट पीएसएल की प्रॉफिट हुई 6 करोड़। अब इन लोगों को कौन समझाए कि आईपीएल में 8-10 करोड़ तो एक बॉलर को दे दिया जाता है, और आईपीएल में विराट कोहली को 16 करोड़ में खरीदा गया था। यानी 16 करोड़ का मतलब ये हुआ कि अगर विराट कोहली अपने आईपीएल के ही पैसों से 3 बार पीएसएल आयोजन करा सकता है पाकिस्तान में। और ये लोग पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बोलते हैं कि पीएसएल आईपीएल से बड़ा है। चलो कंपेयर करते हैं, कंपेयर नंबर 3, व्यू कंपेयर करते हैं। इनके पीएसएल के फाइनल मैच का व्यू है 1.3 मिलियन, जबकि आईपीएल के प्रोमो में ही 11 मिलियन व्यू हो गए थे। तो इसीलिए कहता हूँ तुमसे ना हो पाएगा, आपको भेज तेरे बस की बात। चलो अब कंपेयर करते हैं इनके चीयर लीडर्स। हाँ एक चीज में मानना पड़ेगा, इसमें पीएसएल आगे है आईपीएल से चीयर लीडर्स में, क्योंकि इनके जो चीयर लीडर्स हैं, इनका पहले बात तो जेंडर ही नहीं कंफर्म होता। अब सस्ता नशा करोगे अब अगर पैसे के बुलाओगे तो ऐसे ही सड़क छा पाएंगे ना। To himself in front of the mirror, he'd continue with it. Oh dear. Well, there's some... थोड़ा आईपीएल के चीयर लीडर्स देख लो। राज, कल के मैच की स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है, सिर्फ लाला को आउट कर दे, मैच तेरे हाथ में। अगर अफगान जंग न लड़ते तो ना यहाँ इम्तियाज आलम होता और ना यहाँ नुसरत जावेद होता, ना कोई और होता, इनकी जिंदगियां उजेरन की होती उन लोगों ने। कैसा लगा बेटा? तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी सी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटा बजा दें।
जिसे आपको हमारे अगले आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे चुरकी मुरकी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।